नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपकी आवाज़ सीधे देश दुनिया तक, आपकी सरोकार आपकी आवाज़ जन जन तक। आइए मैं आपको ले चलते हैं अयोध्या। अयोध्या में आयुक्त श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं मणिराम छावनी के पीठाधीश्वर महंत नित्य गोपाल दास के 80वें जन्मोत्सव पर आयुष संत सम्मेलन को संबोधित कर रहे उत्तर प्रदेश उनके शिष्यों की परंपरा की भूमि रही है। माननीय उत्तर प्रदेश मान्यता मिले, इस दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे। वास्तव में पिछले वर्ष भी जब मैं यहाँ पर पूज्य महाराज जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम में आया था, तब भी यहाँ पर जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज और पूज्य अपने संतों ने बारे में अपनी बातों को यहाँ पर रखा, और हम लोगों ने अपनी उनके साथ उनकी पीड़ा के साथ अपने आप को संबद्ध किया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अयोध्या की वैश्विक मान्यता को ही ध्यान में रख करके उस प्रकार के आयोजन यहाँ पर आयोजित हुए। अयोध्या दीपावली का उत्सव पूरी दुनिया के अंदर अयोध्या के नाम पर जाना जाता है। हमने विस्मृत कर दिया था, हमने अपने पीर को भुला दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की स्मृति में दीपावली का उत्सव होता है। हमने अयोध्या में ही इस उत्सव को भुला दिया था और हमारी सरकार ने विगत वर्ष आकर के अयोध्या के इस उत्सव को पुनः वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य किया था। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा जब हम लोगों ने भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी को उस पर विमान से उतारने का कार्य किया। बहुत सारे लोगों ने कहा यह सब करने की आवश्यकता क्यों थी। हमने कहा ये तो आवश्यकता थी, हजारों वर्षों की सुना है, और जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमारी सरकार करेगी, हम लोग अपने स्तर पर भी इसके लिए प्रयास करेंगे। कितना बड़ा संदेश हम देते हैं। अयोध्या का मतलब केवल एक चौहत्ती मात्र हमारी नहीं है, अयोध्या की अपनी एक वैश्विक पहचान है। और वैश्विक पहचान इस रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में हमसे कहा कि आखिर दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे देश हैं जिन देशों ने अयोध्या से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से रघुवंश की उस परंपरा से जिन्होंने कुछ सीखा है जाना है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके किसी न किसी प्रकार से अयोध्या के साथ उनको जोड़ने का कार्यक्रम होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इस बार दीपोत्सव का जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने दक्षिण कोरिया को जोड़ने का, उसके राष्ट्राध्यक्ष को अयोध्या में लाने की एक योजना हम लोगों ने तैयार की है। आप सब जानते हैं दक्षिण कोरिया किस रूप में अयोध्या के साथ अपना संबंध जोड़ता है। अयोध्या की राजकुमारी दक्षिण कोरिया के राजकुमार के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था, और वहां का जो सबसे बड़ा राजवंश है वह राजवंश आज भी अयोध्या के साथ अपना वही भावनात्मक संबंध रखता है। राजनीतिक संबंध अपनी जगह होंगे लेकिन सांस्कृतिक संबंधों से दुनिया की दूरियों को घटाया जा सकता है, और दुनिया की दूरियों को घटाने के लिए ही आज भारत की ऋषि परंपरा के प्रसाद योग को दुनिया के 192 देशों तक पहुंचाने का कार्य भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होता है। मुझे लगता है इस देश के संतों को सर्वाधिक आशीर्वाद मोदी जी को देना चाहिए जिन्होंने भारत की योग परंपरा को एक वैश्विक मान्यता दी है। कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से होता आया है।